कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत प्रदेश के सभी 9 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को कोविड अस्पताल घोषित कर दिया गया है और इन सभी अस्पतालों में 50% शैया को आइसोलेशन बेड बनाने का निर्देश जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव उदय सिंह कुमावत के जारी आदेश के अनुसार सभी मेडिकल कॉलेजों में 100 बेड की क्षमता रहेगी एवं सभी पर ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था का भी निर्देश दिया गया है। शनिवार से ही इन अस्पतालों में कोविड मरीजों की भर्ती शुरू हो गई है। बता दें कि राज्य में पहले से NMCH पटना, NMCH गया और JALMNCH भागलपुर कोरोना के लिए डेडिकेटेड अस्पताल कार्यरत है। अब अन्य सभी 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के प्राचार्य और अधीक्षक को इस संबंध में निर्देश दिया गया है। प्रधान सचिव अपने आदेश में कहा है कि सभी निर्देशित संस्थान में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए अलग भवन ब्लॉक को चिन्हित करें, साथ ही उनमें 100-100 आइसोलेशन बेड की व्यवस्था करें ताकि वहां कोरोना पीड़ित का इलाज किया जा सके। नए निर्देश के तहत बिहार के 38 जिलों को सभी 9 मेडिकल कॉलेज अस्पताल से जोड़ा गया है और इनके क्षेत्र भी निर्धारित कर दिए गए हैं। इन मेडिकल कॉलेजों में संबंधित जिलों के कोरोना पीड़ित गंभीर मरीजों का इलाज किया जाएगा। क्षेत्रवार जाने की किस अस्पताल में किन जिलों के मरीजों का इलाज होगा, PMCH पटना, पटना सारण, छपरा, सिवान व गोपालगंज, DMCH दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल एवं बेगूसराय, SKMCH मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर व शिवहर, वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल पावापुरी, नालंदा, नवादा और शेखपुरा, GMCH बेतिया, पूर्वी व पश्चिमी चंपारण, जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, अररिया, कटिहार व किशनगंज। 3 कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों से इन जिलों को जोड़ा गया है, NMCH पटना, भोजपुर, बक्सर, वैशाली, रोहतास व कैमूर, JLNMCH भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया, जमुई व लखीसराय, ANMCH गया, औरंगाबाद, जहानाबाद व अरवल। गौरतलब है कि बिहार सरकार ने पटना के एम्स भी को पूरी तरह से COVID-19 हॉस्पिटल के रूप में घोषित कर दिया गया है। इस बारे में बिहार सरकार के अपर सचिव कौशल किशोर की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि पटना के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक से प्राप्त प्रस्ताव और अनुशंसा के आलोक में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को डेडिकेटेड COVID-19 अस्पताल के रूप में चिन्हित किया जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।